आदर्श दुबे, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आप पूछ रहे हैं कि महाराज, मेरे माता पिता गुरु मंत्र ले चुके हैं और उनके गुरु योग्य नहीं हैं। वह मांस मदिरा आदि खाते हैं, क्या उनका त्याग करके दोबारा गुरु मंत्र लिया जा सकता है? देखिए, शास्त्र ये कहता है कि अगर आपकी जो ज्ञान पिपासा है उसकी पूर्ति हो रही है तो अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। अपने गुरु से अगर आपको श्रद्धा आपकी बनी हुई है, आचरण आप गुरुजी का श्रेष्ठ है और वो आपको प्रेरित कर रहे हैं, जो जिज्ञासाएँ आपके मन में आती हैं उनका समाधान वो कर दे रहे हैं, तो फिर किसी और गुरु के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन अगर आपकी जिज्ञासाओं की पूर्ति नहीं हो रही, आपको श्रेष्ठ आचरण करने का उदाहरण नहीं मिल रहा है और गुरु जी के प्रति श्रद्धा में भी कमी आ रही है, हालांकि जो गुरु बनाए जाते हैं उनके दुर्गुण ज़्यादा नहीं देखने चाहिए, लेकिन अगर इतने ज़्यादा हो गए हों कि साफ ही दिखाई दे रहे हैं, कोई छोटा मोटा दुर्गुण हो तो हम उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे बड़े दुर्गुण हैं जिनको स्पष्टता के साथ देखा जा सकता है और उसकी उपेक्षा करना संभव नहीं है, तो स्वाभाविक है कि इससे अच्छा है कि गुरुअंतर दूसरे गुरु के पास पहुंच जाए और वहां दीक्षा प्राप्त करके अपने कल्याण का मार्ग सुनिश्चित करे। जैसे मधुमक्खी एक फूल पर बैठती है, वहां से थोड़ा रस लेती है, फिर दूसरे फूल पर बैठती है, वहां से थोड़ा सा रस लेती है, इस तरह से समृद्ध हो जाती है। इसी तरह से जिज्ञासु को अनेक गुरुओं से विद्या प्राप्त कर लेने में कोई कठिनाई नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उन जिन गुरु से दीक्षा प्राप्त हो चुकी है उन गुरु की अब निंदा नहीं करनी चाहिए कि वो बड़े ख़राब थे इसलिए मैं दूसरी जगह आया, इसको कहना आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए उनकी बात को छोड़ करके उस पर एकदम शांत हो जाइए, उनमें कुछ मत बोलिए उस विषय में, और दूसरी जगह जा करके दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करिए।